हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग ग्रोथ के बारे में, यानी कि इंडिया में इसका क्या ग्रोथ है, क्या इंडिया में इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इसके उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। कि जो हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स है, यानी कि जो हार्डवेयर नेटवर्किंग कर लेते हैं या सी सी एन ए कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आईटी की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आईटी में आप ये मत समझ लेना कि मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग वगैरह होता है, क्लाउड वगैरह होता है, सिक्योरिटी होती है, एथिकल हैकर होता है, या मतलब और भी सारी जितनी जॉब्स हैं आईटी की। तो जो क्या है आईटी हार्डवेयर नेटवर्किंग का जो कोर्स है ना, वो एक लग इनिशियल कोर्स है, मतलब कि एक आईटी में आपको जॉब दिलाने के लिए एक स्टार्टअप है। होता ना कि जब तक आपको बेसिक नहीं पता है तो ऊपर लेवल तक कैसे जाओगे, जाने को तो चले जाते हो लेकिन फिर वो आप पता चले डायरेक्ट क्लाउड पर चले गए और आपको बेसिक पता नहीं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, 6 महीने 1 साल तक टीम लीड का मैनेजर एकदम चमकाते रहना, तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जो सी सी एन ए है या हार्डवेयर नेटवर्किंग है, ये एक बेसिक लेवल के कोर्स जो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, अगर आपको सैलरी और फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए तो ये कोर्स होने चाहिए। मतलब कंपनी मांगती है जैसे कि आज आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया अराउंड हार्डवेयर नेटवर्किंग में, तो उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो सीसीएनपी सीसीआई करके, तो क्या होता है कि वहां पे फिर सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिलती है, भले ही आपने कोर्स कर रखा लेकिन एज अ फ्रेशर ही मिलती है। लेकिन अगर आपने हार्डवेयर नेटवर्किंग या सीसीएनए का बेसिक लेवल कोर्स कर रखा तो आपका वो 2 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है वहां पे, तो सैलरी बढ़ के मिलती है, सैलरी हाइक होके मिलती है। तो दोस्तों नो डाउट कि हार्डवेयर नेटवर्किंग का ग्रोथ नहीं है, ऐसा मत सोचो, हार्डवेयर नेटवर्किंग का ग्रोथ कल भी था और आज भी है, बस चीजें इतनी हो गई हैं कि पहले वायर्ड ज्यादा था, अब क्या हो गया कि चीजें वायरलेस ज्यादा हो गई हैं, तो टेक्नोलॉजी बदल रही है तो वायरलेस ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपनी का ना, जो अगर बात करूँ जो फ्लोर सपोर्ट होते हैं या डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब करते हैं, या मतलब जो सिस्टम्स लगे होते हैं बेसिकली बाहर डेस्क पे, तो एक फ्लोर सपोर्ट बेसिकली उसे बोलते हैं, तो वहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट के बंदे काम करते हैं। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करा होता है या सीसीएन उन लोगों ने करा होता है जो एक बेसिक लेवल का होता है। और मैं ग्रोथ की यहाँ पे बात करूँ, अगर कंपनी में रोबोट भी बन जाए, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में रोबोट भी बन जाए, तब भी वो काम हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काम एक बंदे को ही करना पड़ेगा। एक जॉब्स बहुत हैं, करियर भी बहुत है, फ्यूचर भी बहुत है, बट ये है कि कंपनीज क्या हो रही हैं, वो बंदे के अंदर टैलेंट देख रही हैं कि बंदे के अंदर टैलेंट क्या है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, नो मैटर आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप उस 5 मिनट के इंटरव्यू में क्या कर पा रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट। अगर मैं यहीं पर बात ना करके इंडिया के अलावा अगर अदर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, चाहे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, कोई सी भी कंट्री हो इंक्लूडिंग दुबई, तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे भी ये सब जॉब्स हैं, वहाँ पे भी ये काम, क्योंकि देखो कितनी भी हाईटेक कंपनी हो जाए, अभी तक की टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंसान है वो लैपटॉप सामने ही बैठ के चला रहा है, मतलब कि वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रोबोट से चलवा रहा है, कुछ बिगड़ गया तो रोबोट ही बना देगा। तो इंसान आज भी डेस्क पे सिस्टम रख के चलाते हैं, वो चाहे यूके यूएसए कहीं का भी हो, तो वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, बस यह है कि वहाँ पे वायर्ड चीज़ें कम होती हैं, वायरलेस चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब वहाँ पे अगर रही बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर तो मतलब हार्डवेयर ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हार्डवेयर गायब ही कर दो, सिस्टम चलता रहे, तो वो मतलब एक होता है फ्लॉपी ड्राइव टाइप में कुछ मतलब सिस्टम्स होते हैं जो इनके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह नहीं होती है, वो छोटे सिस्टम होते हैं। अब छोटे सिस्टम वो तो वहाँ पे डिस्क पे लगे होते हैं क्योंकि उन पर हार्ड ड्राइव नहीं होती है, लेकिन उनका डेटा तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है क्योंकि हार्ड ड्राइव लगी होती हैं सर्वर्स वगैरह में, तो अगर वो लोकली स्टोर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा है, तो यार कैसे कैसे फ्यूचर खत्म हो गया। फ्यूचर हमेशा है, रहेगा भी, अभी तक की टेक्नोलॉजी में 5-10 साल तक जो चेंज नहीं होता, फिर आप क्या मतलब हार्डवेयर नेटवर्किंग करके उसी में जॉब करते रहोगे, नहीं है, 1-2 साल 3 साल तक करोगे, इसके बाद आप स्विच मारोगे, कोई क्लाउड में जाएगा, कोई लिनक्स में जाएगा, कोई नेटवर्किंग में जाएगा, कोई हैकिंग में जाएगा, मतलब एक इनिशियल लेवल जब आपका डन हो जाता है तो फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं, बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं, जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हार्डवेयर नेटवर्किंग हो सीसीएनए हो, ग्रोथ बहुत है, बस आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, उस पे ध्यान दो कि मुझे जॉब चाहिए कैसे भी, कुछ भी करके, चाहे मुझे 8 घंटे पढ़ने पड़े, 10 घंटे पढ़ने पड़े, तो उस पे फोकस करो, जॉब्स बहुत हैं, कंपनी बहुत हैं और आपको 100% मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. जय हिंद, जय भारत.